ऑन बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा, आज मैं आपको जो चुकंदर होती है ना, चुकंदर के पत्ते, आपने चुकंदर जो फल होता है उससे तो आपने बहुत बार देखा होगा डाई में इस्तेमाल होता है। मैंने बहुत सारी वीडियो आपके साथ शेयर की है, बहुत अच्छा सीरम भी आपके साथ शेयर किया है, लेकिन आज मैं जो चुकंदर के पत्ते होते हैं ना उन्हें मैंने सुखा के रखा हुआ है। इससे आपको मैं बहुत अच्छी डाई बताऊंगी और इसे आप जैसे सुखा कर स्टोर कर लेंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे आप चुकंदर लेते हैं उसके पत्तों को धूप में रख दीजिएगा काटकर, उसके बाद आप अच्छे से इन्हें हाथ से मैश कर एक बोतल में भर के रख दीजिएगा, तो इस तरीके से ये हो जाता है तैयार। तो ये मैंने क्रश करके रखा हुआ है, इसे बारीक पाउडर नहीं बनाया है, क्योंकि इसे सिरम में इस्तेमाल करने से क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाला होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, बहुत सारे गुण होते हैं। जितना चुकंदर खाने से फ़ायदा होता है ना, उससे ज़्यादा उसके पत्तों में फ़ायदा होता है। स्किन के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों के लिए तो बहुत ही रामबाण नुस्खा है बालों को काला बनाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो जैसे आप खाते हैं तो वो लीवर में जाता है, उसके बाद आपके पूरी बॉडी में पूरा मेंटेन करके रखता है पूरे शरीर को। उसी तरीके से अगर आप इसे बालों में इस्तेमाल करते हैं ना, ये बालों की जो जड़ें होती हैं ना उस पर वर्क करता है, क्योंकि इंटरनल के साथ बाहर से भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो बाहर से इस्तेमाल करके ख़त्म होती हैं, इसलिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए। और इसकी डाई बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही अच्छी होती है बालों के लिए, इसे हरेज वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसका कलर इतना अच्छा आता है कि आप इसे, अगर आपके बाल बहुत ही टाइम से वाइट बाल हैं, किसी भी चीज़ से आपके बालों में असर नहीं हो रहा, तो आप इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ना, तो बहुत ही रामबाण नुस्खा है बालों को काला बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट इसकी डाई बनाना। वीडियो में हम बनाएंगे चुकंदर से बनने वाली हेयर डाई, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत ही टेस्टेड फॉर्मूला है ये बालों को कलर देने का, और बहुत ही ब्लैक कलर आता है उससे बालों में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम एक कप पानी गर्म करेंगे। देखिए मैं पूरा पानी इसमें डाल दूंगी, ये मेरा एक कप पानी है, और इसमें हम अब डालेंगे जो चुकंदर होती है उसके पत्ते। ये देखिए मैंने सुखा कर, घर में सुखा कर इसका पाउडर बनाया हुआ है, तो इसमें हम लेंगे चुकंदर के पत्ते। ये देखिए इस तरीके से हम इसके पत्तों को ले लेंगे। ये थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आप इसे इस तरीके से ले लीजिएगा, और जैसे जैसे ये पकते रहेंगे ना तो इसका कलर बिल्कुल ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो ये चुकंदर के पत्ते हम पकने के लिए रख देते हैं और इसको हम ढक देंगे, क्योंकि ढकने से क्या होगा, इसका जितना भी इसमें एसेंस है, जितना भी फ्लेवर है, जितने भी इसमें अच्छे तत्व हैं, वो पानी में भाप बनकर ना उड़े, उसके लिए हम इसे ढककर रख देंगे। और अभी आप देख सकते हैं ये पत्तियाँ बिल्कुल पक चुकी हैं, और ये देखिए इसने ना बिल्कुल कलर ब्लैक देना शुरू कर दिया है। तो अभी हम गैस को कर देते हैं बंद और इसको हम अब करेंगे ठंडा, क्योंकि ठंडा होने के बाद हम इसकी डाई बनाएंगे और इसमें हम क्या क्या सामान इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये मैं आपको जो वीडियो बता रही हूँ इसमें, मैं आज जो डाई बता रही हूँ इसमें मैं आपको बिना हिना के अपने बालों को आप कलर कैसे दे सकते हैं वो बताऊँगी। तो चलिए अब इसके लिए हम इसे ठंडा होने देते हैं, और ठंडा होने के बाद इसमें क्या क्या हर मिक्स करनी है वो मैं बताऊँगी आपको। और ये देखिए जो चुकंदर के पत्ते थे वो पक कर ठंडे हो चुके हैं, और इसको मैंने थोड़ा सा छान दिया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे ग्लास में थोड़ा सा छान के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी तो इसलिए मैंने पहले से छान के रखा हुआ है इसलिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि चुकंदर के पत्तों के साथ आप क्या मिक्स करें जिससे कि बिना हिना के आपके बालों में बहुत ही अच्छा कलर आ जाए। वैसे तो हिना मिलाकर और भी अच्छा रिजल्ट हो जाता है इसका, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो हिना को अवॉइड करते हैं, हिना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती है, या फिर किसी को साइनस की प्रॉब्लम होती है वो हिना नहीं लगा सकते हैं, तो उन सबके लिए आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, और इसमें हमारी जो जो हर्ब है वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी कि इसमें हमें क्या क्या हर्ब डालनी है। पहले कढ़ाई थोड़ा सा इसका पानी सूख जाए। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच त्रिफला, एक चम्मच और डेढ़ चम्मच, ये इसमें हम डालेंगे नीम के पत्ते, और तीसरी चीज इसमें डालेंगे जो गुड़हल के पत्ते होते हैं ना उसका पाउडर डालेंगे हम इसमें। ये देखिए गुड़हल के पत्तों का पाउडर डालेंगे इसमें हम इस तरीके से, और इनको हम हल्का सा गर्म कर लेंगे देखिए इस तरीके से, क्योंकि मॉइस्चर हो जाता है कितनी बार, और अच्छा सा ब्लैक कलर चाहिए बिना हिना के, तो उसको इस तरीके से हमें बनाना पड़ेगा। और अब हम इसमें डालेंगे अपना छाना हुआ सीरम, ये देखिए इस तरीके से, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसको एक से दो मिनट तक हम पका लेंगे इस तरह मिक्स करने के बाद। इसको थोड़ा सा हम गाढ़ा कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो हमने त्रिफला डाला है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए।
और बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा पतला था तो मैंने इसमें गुड़हल के जो पत्ते होते हैं उसका थोड़ा सा पाउडर और डाला है, जिससे कि मेरे ये अच्छे से बालों में अप्लाई हो जाए। थोड़ा सा 1 चम्मच और डाला है मैंने इसमें। तो अब मैं आपको बता रही थी त्रिफला के बारे में। त्रिफला बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही जल्दी काला बनाता है। और दूसरी बात, इसमें जो हमने गुड़हल के पत्ते लिए हैं वो उसका कलर क्या होता है, उससे बालों में जितना भी इन्फेक्शन है वो ख़त्म होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाले होते हैं। गैस को हम बंद कर देंगे क्योंकि बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। और नीम मैंने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि गर्मियों का मौसम है, बालों में पसीना आता है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत खुजली होती है, जिसकी वजह से बाल टूटने झड़ने लग जाते हैं। तो ये आपके बालों को मजबूत बनाएगा, बालों को घना बनाएगा और बालों को सफ़ेद होने से भी बचाएगा, क्योंकि जब बालों में पसीने से इन्फेक्शन होगा वो नीम की वजह से पहले ही रुक जाएगा, तो उससे बाल बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हमारी जो डाई है वो बिल्कुल तैयार है। इसको ठंडा करने के बाद आप इसे इसी कढ़ाई में छोड़कर रख दीजिएगा लगभग 4 से 5 घंटे, या फिर आप इसे रात भर भी रख सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। सुबह अगर आपको इसे आज बनाकर कल लगाना है तो आपको आज ही बालों में शैम्पू करना पड़ेगा, उससे आपके बाल बिल्कुल साफ हो जाएंगे। उसके बाद आप इसे बालों में लगाएं, फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपके बाल में बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर आएगा, इससे रेड कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसे लगाने के बाद आपको खुद फर्क लगेगा, आपके बालों में खुजली लगना बिल्कुल बंद हो जाएगी, डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और बालों को जो काला करना है ना वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इससे एक ही एप्लीकेशन में आपके बालों में बहुत ब्लैक कलर आ जाएगा इससे। तो चलिए आप इसे बनाकर ट्राई कीजिएगा, कैसा लगा वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छी और चीज के साथ।